मैं आपको विश्वास दिलाना है, जम्मू कश्मीर की शांति को जो लोग खलल पहुंचाना चाहते हैं, हम उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। ये जो विकास की यात्रा शुरू हुई है, इसमें कोई भी रुकना नहीं। जम्मू कश्मीर के दौरे के पहले ही दिन गृह मंत्री ने सुरक्षा मामलों पर उच्च स्तरीय बैठक की। श्रीनगर और दूसरे शहर में आम नागरिकों की हत्या और पुंछ मेंढर में जवानों पर कायराना हमले के बाद अमित शाह का दौरा। संदेश साफ था कि सरकार बौखलाए आतंकियों की खूनी साजिश को लेकर कितनी गंभीर है और इनसे निपटने का हौसला कहीं से कम नहीं हुआ है। गृह मंत्री के दौरे से पहले सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारी वहां कैंप कर रहे थे। गृह मंत्री की अगुवाई में इस बैठक में आतंक के बदले रूप को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। गृह मंत्री ने एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल पर जोर दिया ताकि आतंकियों के जाल को तोड़ा जा सके। इस बैठक में गृह मंत्री ने सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच समन्वय की जरूरत बताई। सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिया गया कि घाटी से आतंकियों को साफ करने के लिए निर्णायक फैसले करें। गृह मंत्री ने पूछा कि सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बावजूद नागरिकों की हत्या कैसे हुई। घाटी में नए आतंकियों की भर्ती को रोकने के उपायों पर भी बात हुई। राजौरी और पुंछ में चले लंबे ऑपरेशन को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। बैठक में ये सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि कुछ भी करके टारगेट किलिंग पर लगाम लगाई जाए। दरअसल कश्मीर में 5 अक्टूबर से अब तक 12 नागरिक मारे जा चुके हैं। गृह मंत्री ने सुरक्षा बलों को कुछ ऐसे इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं जिससे टारगेट किलिंग पर लगाम लगाने के साथ साथ इसमें शामिल आतंकियों को जल्दी पकड़ा जा सके। बैठक के बाद युवाओं को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद घाटी में नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। 2.5 साल पहले जिस कश्मीर से पथराव के समाचार आते थे, टेररिज्म के समाचार आते थे, हिंसा के समाचार आते थे, आज वही कश्मीर में वही कश्मीर का युवा, वही जम्मू का युवा विकास की बात कर रहा है, स्किल अपग्रेडेशन की बात कर रहा है, रोजगारी की बात कर रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं युवा साथियों, ये बदलाव को कोई नहीं रोक सकता। कोई कितनी भी ताकत अजमा ले, ये बदलाव के बयार को अब कोई रोक नहीं सकता। ये आगे बढ़ने वाली है और कश्मीर में एक नए युग की शुरुआत हो। गृह मंत्री के दौरे को लेकर श्रीनगर में जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम थे। जिस रास्ते से अमित शाह को गुजरना था, उन रास्तों पर सेना ने किसी भी गैर पहचान पत्र वाले को फटकने नहीं दिया। गृह मंत्री 3 दिनों के लिए जम्मू कश्मीर में हैं। ये पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को कड़ा जवाब देने की कोशिश है कि सरकार किसी भी साजिश के सामने झुकने को तैयार नहीं है। श्रीनगर से अंजना ओम कश्यप और कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।